सो है गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे आप ड्यूअल टोन एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे और थंबनेल में तो आपने देखा ही था कि ये ड्यूअल टोन एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस, इसके लिए लगेंगे कुछ PNG फाइल्स जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है डायरेक्ट पिक्सआर्ट पे। तो सबसे पहले तो आपको इस PNG फाइल को ओपन कर लेना है। मैंने इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो इसको ओपन करने के बाद आपको जाना है सीधा ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको आपका मॉडल जो है उसको आप बैकग्राउंड इरेज कर लेना। फिर बैकग्राउंड इरेज करने के बाद आपको उसे फ़ोटो पे प्लेस कर देना है ठीक से एकदम, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्लेस। सो प्लेस करने के बाद आपको सिंपली ऊपर जो राइट टिक है उसको क्लिक कर देना है। सो गाइज, इसको करने के बाद आपको फिर से जाना होगा ऐड फोटो पे, क्योंकि मैंने और भी कुछ PNG फाइल्स दे रखी थी। तो इन PNG फाइल्स को भी हम आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना है। तो आपको फिर से जाना है ऐड फोटो पे और ये वाला जो फ्लेयर PNG फाइल है उसको आपको ऐड कर लेना है। ये मस्त लगता है पिक्चर पे, तो आपको इसे ऐड कर लेना है। फिर इसको एडजस्ट कर लेना है। ओपेसिटी आपको 100 ही रखनी है एंड ऐसे आप ठीक से इसे एडजस्ट कर लीजिए। मस्त लगने वाला है जब हम लोग लाइट रूम में एडिट करने वाले हैं। तो ओके, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आप देख सकते हो ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी हो, फिर से आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है और ये वाला जो PNG है उसको इसको भी ऐड कर लेना है ठीक से। ओपेसिटी रखना है आपको 100। आप ऐसे ऐड कर लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, स्मोक है ये बस। तो इसको भी आप ठीक से एडजस्ट कर लीजिए, देन आपको डन पे क्लिक कर देना है वो जो ऊपर राइट टिक है। सो गाइस, ये करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे और टूल्स पे जाने के बाद आपको एडजस्ट करना है ये जो कलर्स है, ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो आपका स्किन थोड़ा फेयर लगेगा, तो ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं, मेरे लिए इतना ठीक है। तो फिर आपको जाना है ड्रॉ पे और ड्रॉ पे जाके आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज, अभी यहाँ पे हम लोगों का पिक्सआर्ट का काम ख़त्म हो गया है। तो पिक्सआर्ट का काम ख़त्म होने के बाद हम लोगों को लाइट रूम मोबाइल ओपन कर लेना है। लाइट रूम मोबाइल में बाकी का काम होगा। लाइट रूम ओपन करने के बाद आपको एक्सपोज़र, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट ये सब थोड़ा ठीक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ये मेरे लिए ठीक है। ब्लैक्स को थोड़ा डाउन करूँगा एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, वाइट्स को भी इंक्रीज़ कर दूँगा। तो इसके बाद हम लोगों को कलर पे जाना है। फिर हमें कलर्स चूज़ करने हैं, जैसे कि ये रेड कलर चूज़ है तो रेड का ह्यू हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, -29 ठीक है, -29। यहाँ पर हम लोग ब्लू का जो कलर है उसको हम ह्यू थोड़ा सा कम करेंगे। सैचुरेशन सैचुरेशन भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम कर दीजिए। लुमिनेंस लुमिनेंस भी आपको कम करना है। और यहाँ पे फिर से हम लोग रेड में आते हैं और रेड का भी थोड़ा लुमिनेंस कम कर देते हैं। सो इसके बाद अगर आपका हो जाए तो डन पे क्लिक कर दीजिए। देन आपको यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ा बढ़ा लेना है। विगनेट विगनेट थोड़ा कम कर लीजिए, तो विगनेट इतना मेरे लिए ठीक है विगनेट। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में शार्प कर लेंगे थोड़ा सा इमेज को, तो ये और भी बेटर लगेगा। शार्पनिंग की वजह से जो नॉइज़ आया है इमेज में, नॉइस रिडक्शन की मदद से उसे हम ख़त्म कर सकते हैं, नॉइस रिडक्शन। तो ये सब हो जाने के बाद गाइज, आप लोगों का पिक्चर रेडी है। देखिए पिक्सआर्ट में ये ऐसे आया था और अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत मस्त लग रहा है। जस्ट गाइज, आप इसको अपलोड कर दीजिए अपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे और #DPT जो है वो हैशटैग दे दीजिए, तो मैं आपके वीडियो को लाइक भी कर सकता हूँ। एंड सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।